नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। आज ही दिनांक 3 जनवरी और आज हम लोग देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उससे जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज के क्वेश्चन का PDF आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए के रेरा का शुभारंभ किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च केरेरा टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन रियल एस्टेट सेक्टर? सही उत्तर है केरल। केरल के मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए केरेरा का शुभारंभ किया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरला रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण केरला रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी केरेरा का शुभारंभ किया। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने और रियल एस्टेट क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता लाने का मुख्य उद्देश्य है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता होगा। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे चुना गया? हु हैज इलेक्टेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी? सही उत्तर है बबीता रायडू। बबीता रायडू को सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। बता दें, जी बबीता रायडू ने सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। रायडू कानूनी मामलों के विभाग, प्रवर्तन विभाग और विशेष प्रवर्तन प्रकोष्ठ को संभालेंगी। नियामक में वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के कानूनी मामलों के विभाग में थी। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड भारत सरकार के स्वामित्व में भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए नियामक है, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना अधिकारी प्रभारी रखरखाव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हु विल अपॉइंटेड एज एयरफोर्स ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस? इसका सही उत्तर है विभास पांडे। विभास पांडे को वायुसेना अधिकारी प्रभारी रखरखाव के रूप में नियुक्त किया जाएगा। बता दें, एयर मार्शल विभास पांडे VSM को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2020 से भारतीय वायुसेना के प्रभाव के एयर ऑफिसर मेंटेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया। एयर मार्शल विभास पांडे ने 29 अगस्त 1984 को भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के रूप में कमीशन किया। उन्होंने IAF में इंजीनियरिंग अधिकारी के रूप में करियर शुरू किया। लड़ाकू विमान और परिवहन विमान और हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के संचालन में अनुभव प्राप्त किया। वायु अधिकारी IIT पवई मुंबई से विश्वसनीयता इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कमांडर इन चीफ हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वहीं वायुसेना के सेनाध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा? विच सिटी विल होस्ट इंडियन साइंस कांग्रेस? इसका सही उत्तर है बी बेंगलोर। बेंगलोर शहर भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा। बेंगलुरु भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह 9वीं बार होगा जब शहर वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु इस आयोजन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन में एक किसान विज्ञान कांग्रेस पहली बार इसमें भाग लेगा, इसलिए सम्मेलन किसानों के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। सम्मेलन में देश भर से 8000 छात्रों, विदेशों से 74 वैज्ञानिकों सहित 15000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी जाएगी। इस सम्मेलन का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा। कर्नाटक की राज्यपाल हैं वजूभाई वाला। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एकल हेल्पलाइन नंबर क्या है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने शुरुआत किया? व्हाट इज द सिंगल हेल्पलाइन नंबर विच इज रिसेंटली लॉन्च बाई इंडियन रेलवे? इसका सही उत्तर है C-139। 139 वो हेल्पलाइन नंबर है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे ने शुरुआत किया है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने 2 जनवरी को यात्रा के दौरान सहायता, पूछताछ और शिकायतों के निवारण के लिए एक एकत्रित
हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की है। नई हेल्पलाइन नंबर 139 सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों 182 को छोड़कर उपयोग में होगी। यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और यात्रा के दौरान उनकी सभी जरूरतों के लिए रेलवे से जुड़ना आसान होगा। हेल्पलाइन नंबर 139 12 भाषाओं में उपलब्ध होगी। यह IVR इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम पर आधारित होगा। रेल मंत्री हैं भारत के पीयूष गोयल, जो भारत के 44वें रेल मंत्री हैं। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कौन सी ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। रिसेंटली विच ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च बाय इलेक्शन कमीशन। इसका सही उत्तर है PPRTMS। चुनाव आयोग द्वारा ऑनलाइन प्रणाली PPRTMS लॉन्च की गई है। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने एक राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS शुरू की है। सिस्टम आवेदकों को पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदनों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है। आयोग ने 1 जनवरी 2020 से लागू होने वाले पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई दिशा निर्देशों के तहत 1 जनवरी 2020 से पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदक अप करने वाले आवेदक आवेदनों की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे और इसके माध्यम से स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों द्वारा नियंत्रण होता है। PPRTMS का फुल फॉर्म होता है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली। भारत चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोरा। भारत के चुनाव आयुक्त हैं अशोक लवासा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड ऑफ चेयरमैन के लिए फिर से किसे नियुक्त किया गया। हु हैज रीअपॉइंटेड फॉर रेलवे बोर्ड ऑफ चेयरमैन। इसका सही उत्तर है वीके यादव। वीके यादव को रेलवे बोर्ड ऑफ चेयरमैन के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में वीके यादव को पुनः नियोजन को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए की गई है। उन्होंने 1 जनवरी 2019 को अश्विनी लोहानी से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक का पद भी संभाला है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने साइड लंगेस एक्सरसाइज के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया। हु गेट्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर साइड लंगेस एक्सरसाइज। इसका सही उत्तर है बी साई दीपक ने साइड लंगेस एक्सरसाइज के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है। बता दें, बी साई दीपक ने 60 सेकेंड में सबसे अधिक साइड लंगेस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दीपक ने 60 सेकेंड में 59 साइड लंगेस बनाकर रिकॉर्ड बनाया है, जो उनका चौथा समग्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछला रिकॉर्ड पाकिस्तान के राष्ट्रीय इरफान महसूद ने रखा था। 23 वर्षीय ने अपनी उपलब्धि को शहीदों को समर्पित किया है। वर्तमान में भारत के लिए 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1955 में अपनी स्थापना से 2000 तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के रूप में जाना जाता है। इसका प्रकाशन 1955 में पहली बार हुआ था, जिसके प्रकाशक हैं जिम पटिसन ग्रुप। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रिफ टॉक्सिक सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र कौन सा है। विच इज द फर्स्ट नेशन टू बैन रिफ टॉक्सिक सन क्रीम। इसका सही उत्तर है पलाऊ। पलाऊ राष्ट्र रिफ टॉक्सिक सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र बना है। बता दें, प्रशांत राष्ट्र पलाऊ सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जो कोरल और समुद्री जीवन के लिए हानिकारक है। प्रतिबंध में 10 में से किसी भी तत्व से युक्त सन क्रीम को शामिल किया गया है, जिसमें ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टिनोक्टेक्स शामिल है, जो पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। पलाऊ के रॉक आइलैंड में एक लैगून यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। पलाऊ अपने समुद्र जीवन के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरों स्थलों में से एक माना जाता है। पलाऊ के राष्ट्रपति हैं टॉमी रेमेंग साओ। वहाँ की राजधानी है नारगुल मोद और मुद्रा है US डॉलर। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गिनी बिसाओ में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता। हु वॉन गिनी बिसाओ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसका सही उत्तर है उमारो सिसोको इम्बालो।
सुमारो सिसोको इम्बालो ने गिनी बिसाओ में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। आपको बता दें उमारो सिसोको इम्बालो ने गिनी बिसाओ के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। गिनी बिसाओ के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अनुसार उमारो ने 53.55 वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता है। वह वर्तमान राष्ट्रपति जोस मारियो वाज की जगह लेंगे। गिनी बिसाओ की राजधानी है बिसाओ और वहाँ की मुद्रा है इको। चलते हैं आज के उस क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? हु रिसीव द दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली? इसका पहला ऑप्शन है ऋषि कपूर, दूसरा ऑप्शन है अनुपम खेर, तीसरा ऑप्शन है धर्म सिंह दोयल और चौथा ऑप्शन है अमिताभ बच्चन। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है।